लाहौर शहर में 70% से ज्यादा तामीरात के गैर कानूनी होने का इंकशाफ। डायरेक्टर जनरल पंजाब एंटी करप्शन गोहर नफीस का कहना है कि पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर शहर में 70% से ज़ायद तामीरात गैर कानूनी हैं। इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल पंजाब एंटी करप्शन गौहर नफीस का कहना था कि उनका महकमा गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए तजावीज़ तैयार कर रहा है जो जल्द पंजाब हुकूमत को पेश कर दी जाएंगी। उनका मजीद कहना था कि सूबे भर में उनके महकमे को मजमूई तौर पर 28,756 शिकायात मौसूल हुई जिनमें से 7,000 सिर्फ महकमा माल से मुतल्लिका हैं। उन्होंने मजीद बताया कि पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने अब तक 77,500 केनाल अराजी कब्जा माफिया से वागजार करवा ली है। दिस इज़ राबिया शहजाद फ्रॉम रेड बॉक्स टीवी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड टू रेड बॉक्स टीवी।